आज किसी बड़े सेलिब्रिटी का बर्थडे नहीं है और ना ही आज के दिन किसी लीडर ने कोई बड़ा काम किया था, बल्कि आज वो दिन है जिसकी वजह से हमारा हर दिन है। हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। इनकलाब जिंदाबाद। 23 मार्च 1931 यानी कि आज के ही दिन हमारे देश के तीन ब्रेव फ्रीडम फाइटर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने खुशी खुशी फांसी को एक्सेप्ट कर लिया ताकि हम आज के दिन एक स्वतंत्र भारत में खुली सांस ले सके। बट इस बात को जान करके मुझे अफसोस होता है कि हमारी हिस्ट्री में से शहीद भगत सिंह को डिलीट कर दिया गया और कहीं कहीं पर शहीद भगत सिंह की सिर्फ धुंधली बातें मिलती है जिसका होना ना होना बिल्कुल बराबर है। इंडिया को फ्रीडम दिलाने में शहीद भगत सिंह ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इसके बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री लिखने वाले को इसके बारे में नहीं पता था, इसीलिए हमारी हिस्ट्री में शहीद भगत सिंह का नाम हमें नहीं मिलता। सो आज के इस वीडियो में हम शहीद भगत सिंह के लाइफ से जुड़े ऐसे 5 इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे जिसके बारे में आपको कभी भी किसी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। फैक्ट नंबर 1, जब 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब शहीद भगत सिंह अपने स्कूल को गोल करके जलियांवाला बाग में खुद गए थे और अपने देश के लोगों के खून को बहता हुआ देख करके उन्होंने ये शपथ ले लिया था कि मैं किसी भी तरीके से अब भारत में से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकूंगा। और इस वाले इंसिडेंट ने शहीद भगत सिंह के लाइफ के पूरे एम को बिल्कुल चेंज कर दिया था। फैक्ट नंबर 2, शहीद भगत सिंह को बचपन से ही अंग्रेजों के द्वारा भारत पर कब्जा करने वाली बात चुभने लगी थी और जिस एज में हम लोग खिलौने से खेलते थे उस एज में शहीद भगत सिंह को बंदूक पसंद आने लगा था और शहीद भगत सिंह का पूरा बचपन बंदूकों के साथ गुजरा था और सिर्फ 8 साल की एज में शहीद भगत सिंह ने ये कहा था कि हम वेपन्स और गन्स के थ्रू अंग्रेजों को भारत से उखाड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, जब शहीद भगत सिंह मैच्योर एज के हो गए थे तब उनके फैमिली वाले को उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी और जब शहीद भगत सिंह को मैरिज का ऑफर मिला तो वो अपने घर को छोड़ करके कानपुर में भाग गए और उन्होंने ये कहा था कि इफ़ ही मैरिड इन स्लेव इंडिया माई ब्राइट सॉल बी डेथ। और कानपुर में जा करके शहीद भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया जहां पर वो चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जैसे ग्रेट आंदोलनकारी से मिले और उनके साथ मिल करके भारत को आज़ाद कराने का कैंपेन स्टार्ट किया। फैक्ट नंबर 4, जब शहीद भगत सिंह जी ने अपनी बात को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए पार्लियामेंट में बॉम्ब फोड़ा था तब उन्हें सैनिकों ने पकड़ लिया था और उनके पास ऑप्शन था कि अगर वो चाहते तो वहां से भाग के जा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और वहां पर उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और देखते ही देखते ये नारा पूरे देश में आँख की तरह फैल गया और देश की यूथ पॉपुलेशन ने इस नारे को अपने साथ में लेकर के इंडिया को आज़ाद कराने के कैंपेन में शामिल हो गए। फैक्ट नंबर 5, जब शहीद भगत सिंह जी जेल में गए तो उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि जो अंग्रेजी कैदी है उन्हें खाने के लिए अच्छा खाना मिल रहा है और जो इंडियन कैदी है उन्हें अनहेल्दी और बचा हुआ खाना मिल रहा है। और इसके लिए जब शहीद भगत सिंह जी जेल ऑफिसर से बात करने गए तो जेल के ऑफिसर्स ने शहीद भगत सिंह जी की बात को मानने से मना कर दिया और फिर अंग्रेजों की तरह इक्वल खाना मिलने की मांग को लेकर के शहीद भगत सिंह जी जेल में भूख हड़ताल पे बैठ गए और ये बात पूरे देश में फैल गया। अंग्रेजों ने इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की पूरी कोशिश की, शहीद भगत सिंह जी को तरह तरह से मारा पीटा गया बट उन्होंने हार नहीं माना और लास्ट में जा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और शहीद भगत सिंह जी की बात को मान लिया गया। यहाँ पर पूरे देश ने इस बात को सीखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट झुक सकता है, बस उसे झुकाने की पावर होनी चाहिए। अब आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपके लिए एक बोनस फैक्ट बनता है। एक्चुअली शहीद भगत सिंह जी को 24 मार्च 1931 को फांसी मिलना था बट अंग्रेजों को ये बात पता था कि अब पूरा देश शहीद भगत सिंह जी के सपोर्ट में खड़ा है और 24 मार्च यानी कि फांसी वाले दिन बहुत बड़ा हंगामा होगा और सारे आंदोलनकारी एक साथ मिल करके शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से बचा सकते हैं एंड मैन पावर का यूज करके पूरे जेल को तहस नहस भी कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए अंग्रेजों ने एक बहुत ही घटिया चाल चली और उन्होंने 24 की जगह 23 मार्च 1931 को बिना किसी को बताए चुपचाप सुखदेव, राजगुरु और शहीद भगत सिंह जी को फांसी दे दिया और इन तीनों ने इसे हंसते हुए एक्सेप्ट कर लिया और जाते जाते पूरे देश के अंदर में आज़ादी की ज्वाला जला गए।
इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि आज के दिन देश में ज्यादा से ज्यादा लोग शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में जान सके। और अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करना। और लास्ट में एक बात को जरूर याद रखना, हमें जो आज़ादी मिली है उसके लिए हजारों फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई है, और उनके बलिदान को कभी मत भूलना।